नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस बी सिंह आज आप लोगों को बीए जिस सेमेस्टर की कक्षा में उपन्यास का अर्थ एवं परिभाषा और उसके तत्वों के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। उपन्यास जो आधुनिक गद्य की सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण गद्य विधा है, ठीक है ना? किसी व्यापक कथा वस्तु को घटनाओं और पात्रों के द्वारा रोचक बनाकर इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वह किसी निश्चित लक्ष्य को प्रस्तुत करे उपन्यास कहलाता है। उपन्यास आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय गद्य विधा है। उपन्यास के स्वरूप में साहित्य की समस्त विधाओं को विद्यमान करने की शक्ति हो। उपन्यास में कथा तो है ही, इसके साथ ही साथ अवसर मिलने पर वह काव्य के समान भावुकता और संवेदना उत्पन्न होकर पाठकों को अनुरक्त करता है, ठीक है ना? श्री लाला श्रीनिवास दास के माध्यम से रचित परीक्षा को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है? इस काल के उपन्यास में बहुधा गंभीरता की कमी है और वे क्या है, घटना प्रधान से संबंधित है। इस काल के उपन्यासकार बहुते उपन्यास इस प्रकार के बालकृष्ण, उत्तर ब्रह्मचारी, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता संत और बोध गोपाल दास गहरी, चतुर चंचला तथा किशोरीलाल गोस्वामी, तारा और सुल्ताना आदि लोकप्रिय उपन्यास हिंदी उपन्यास साहित्य का मुंशी प्रेमचंद को क्या माना जाता है, उपन्यास सम्राट है। उनका सर्वप्रथम उपन्यास सेवा सदन, ठीक है ना? इसका मतलब हिंदी उपन्यास के जनक किसको माना जाता है, सम्राट मुंशी प्रेमचंद। अब उपन्यास का अर्थ परिभाषा, उपन्यास दो शब्दों के योग से बना है। उप प्लस न्यास, जिसका अर्थ है उप का अर्थ है समीप तथा न्यास का अर्थ है रखना। उप का अर्थ है समीप तथा न्यास का अर्थ है रखना। इसमें लेखक अपने मन की बात, लेखक अपने हृदय या मन की बात पाठकों के समक्ष रखता है, किंतु हिंदी में उपन्यास सब उपन्यास प्रसाद और अंग्रेजी में नॉवेल के पर्यायवाची बनकर प्रयुक्त हो रहा है। अंग्रेजी में उपन्यास शब्द इटालियन भाषा के नॉवेल पर्याय के रूप में प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है सूचना देना, ठीक है? हिंदी के साहित्यकारों और विद्वानों के द्वारा उपन्यास की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जो इस प्रकार है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अनुसार मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास की परिभाषा को किस प्रकार परिभाषित किया है, उनका कहना है कि मैं उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके चरित्रों को स्पष्ट करना ही उपन्यास का मूल तत्व है। बाबू गुलाब राय के अनुसार उपन्यास कार्य और कारण श्रृंखला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें वास्तविक तथा काल्पनिक घटनाओं द्वारा जीवन के सत्यों को प्रकट किया जाता है या उद्घाटित किया जाता है, ठीक? डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की पूर्ण साथी को प्रस्तुत करने वाला गद्य ही उपन्यास है। श्याम सुंदर दास जी ने क्या दिया है परिभाषा उपन्यास के संदर्भ में? श्याम सुंदर दास ने कहा है कि उपन्यास मनुष्य जीवन की काल्पनिक कथा, उपन्यास मनुष्य जीवन की काल्पनिक कथा, ठीक है? अब आज देखते हैं ये तो उपन्यास का अर्थ और परिभाषा, अब आते हैं उपन्यास के तत्व के बारे में, ठीक? उपन्यास के प्रमुख छह तत्व माने जाते हैं, ठीक है? पहला है कथा वस्तु या कथानक,
उपन्यास की मूल कहानी को कथानक या कथा वस्तु कहा जाता है। कथानक उपन्यास का क्या होता है, प्राण तत्व होता है, कथानक जो होता है उपन्यास का मूल तत्व। कथानक के अभाव में उपन्यास की रचना नहीं की जा सकती। उपन्यास की कथा वस्तु जीवन के उपन्यास होते हुए भी उसमें कल्पना का ही तत्व अधिक होता है। उपन्यास का कथा वस्तु का चयन कहां से करता है, यहां यही उसकी क्षमता का परिचायक है, यही उसकी लेखन क्षमता का परिचायक है, बौद्धिक क्षमता का परिचायक है। उपन्यास की सफलता व असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कथानक का चयन करते समय उपन्यासकार कथानक में तीन बातों का ध्यान रखता है। कौन कौन से, एक तो कौतूहल मतलब जिज्ञासा, एक तो विश्वसनीयता होती है, और तीसरा है संबद्धता। इन तीनों का चयन उपन्यासकार बड़ी ही सजीवता और बौद्धिकता के साथ करता है। दूसरा है पात्र अथवा चरित्रण। उपन्यास में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पात्र अथवा चरित्रण। पात्र ही उपन्यास की कथा वस्तु क्या होते हैं, निर्वाहक होते हैं, कथा वस्तु को चलाने वाले होते हैं, कथा वस्तु का विस्तार करने वाले क्या होते हैं, पात्र और चरित्र। ठीक ठीक है, जरूरत होती है। यह कथानक के विकास और पात्रों के चरित्र चित्रण में भी सहायक साबित होगा। पात्रों के भाव विचार क्रिया प्रतिक्रियाओं के प्रकटीकरण तथा मानवीय मन के पात्रों के चरित्र उसके संवाद अथवा आपस में वार्तालाप के अनुकूल होते हैं। चौथा है देश काल तथा वातावरण। उपन्यास में देश काल से अभिप्राय उस देश व समय से है जिसे हम वातावरण का नाम भी देते हैं। मानव मन को बिना उसके देश काल में जाने उसकी क्रिया प्रक्रियाओं का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इसलिए उस देश काल के विषय में भी परखना आवश्यक होता है। उपन्यासकार को चाहिए कि अपने उपन्यास में जिस देश काल या वातावरण की धार्मिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करें, यानी उपन्यास का कथानक देश काल की देश काल या वातावरण के समसामयिक की सामयिकता के भाव में कथानक अवश्य का विस्तृत लगता। अब अगला जो तत्व है उपन्यास का भाषा शैली। उपन्यास में भाषा शैली का बहुत बड़ा महत्व होता है। उपन्यास की रोचकता भाषा शैली की रोचकता पर निर्भर करती है, अतएव भाषा शैली का रोचक होना आवश्यक। ठीक है ना, भाषा शैलियां कई प्रकार से उपन्यास का वर्णन करती हैं, पढ़ात्मक शैली, कथात्मक शैली और आत्मकथात्मक और पात्र शैली। ठीक, उपन्यास का सबसे अंतिम तत्व होता है उद्देश्य। प्रत्येक उपन्यासकार का उपन्यास लिखने का कोई उद्देश्य जरूर होता है। पाठकों के मनोरंजन के साथ ही साथ बेवाला या भ्रष्टाचार, गरीबी का दुष्चक्र, जातिवाद, साम्प्रदायिकता का जहर, नारी पर अत्याचार इत्यादि को प्रकट करना उपन्यास का उद्देश्य हो सकता है। कुछ उपन्यास का उद्देश्य समाज का उत्थान और विकास करना होता है। उपन्यास प्रशिक्षण का उद्देश्य हमेशा महान होना चाहिए, जिससे समाज और मानव को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, ये रही हमने आपको बताया उपन्यास का अर्थ और परिभाषा और उसके तत्व। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बच्चों फिर करता हूँ मैंने आपको जो उपन्यास का अर्थ और